हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूको स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम अपने इस लेक्चर सीरीज में यूपी पीसीएस प्री 2019 में जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन हैं उसको वन बाय वन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे इस वीडियो में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18 सेट सी का, जो क्या कह रहा है, स्मॉग इज इसेंशियली कास्ट बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस ऑफ, मीन्स स्मॉग जो है इनमें से किसके एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस के कारण होता है, मतलब स्मॉग किसकी वजह से होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चलिए देखते हैं स्मॉग क्या होता है। स्मॉग फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे स्मॉग जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, स्मोक एंड फॉग। स्मोक एंड फॉग को कंबाइंड रूप में स्मॉग बोलते हैं। जब वेरियस सोर्सेस से स्मोक मींस डिफरेंट गैसेस रिलीज होती हैं और जब वो फॉग से कंबाइन करती हैं तो उसके बाद जो बनता है उसको बोलते हैं स्मॉग। ये जो स्मॉग होता है वो दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटो केमिकल स्मॉग, और दूसरे को बोलते हैं सल्फ्यूरस स्मॉग, सल्फ्यूरस स्मॉग। इस फोटोकेमिकल स्मॉग की अगर बात करें तो यहां पे एक वर्ड है फोटो। फोटो मींस लाइट, कौन सा लाइट, सनलाइट। तो इस फोटोकेमिकल स्मॉग के फॉर्मेशन के लिए इंटेंस सनलाइट की जरूरत पड़ती है, इंटेंस सनलाइट। ये जो स्मॉग है, इंटेंस सनलाइट मींस जब दोपहर में जो पीक टाइम होता है 12 to 2 PM, उस समय फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। और कब, जब ट्रैफिक कंडीशन हो और उसमें कड़ी धूप हो उस समय इंटेंस सनलाइट का फॉर्मेशन, इंटेंस सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो फोटोकेमिकल स्मॉग में जो गैसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, नॉक्स, नॉक्स में भी NO एंड NO2, देन ओजोन, देन पैन, पैन का फुल फॉर्म क्या है, परॉक्सी एसिल नाइट्रेट, परॉक्सी एसिल नाइट्रेट, परॉक्सी एसिड नाइट्रेट, इसका फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैक। और कौन सी गैसेस होती है इसमें, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड पार्टिकुलेट, तो फोटोकेमिकल स्मॉग का जो कंपोजिशन है उसमें नॉक्स होता है, ओजोन होता है, पैन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है और पार्टिकुलेट होता है। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग केमिकल हैं, इसीलिए फोटोकेमिकल स्मॉग को ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग होता है। अगर सल्फ्यूरस स्मॉग की बात करें तो जो सल्फ्यूरस स्मॉग है इसके फॉर्मेशन के लिए इंटेंस सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर इसमें गैसियस कंपोजिशन अगर देखें हम, तो फोटोकेमिकल स्मॉग में नॉक्स था लेकिन सल्फ्यूरस स्मॉग में सॉक्स होता है, मींस SO2 एंड SO4। सल्फर के दो ऑक्साइड्स होते हैं SO2 और SO4। और नेक्स्ट इसमें कौन सा होता है कंपोजिशन में, पार्टिकुलेट, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, ये बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं। अच्छा, इन सब बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे अपने उस लेक्चर सीरीज में, जब हम टॉपिक वाइज अपना पूरा हर यूनिट को कवर करेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। अभी अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना एक्सप्लेनेशन बहुत काफी है, तो चलिए देखते हैं।
हमारा क्वेश्चन क्या था, स्मॉग का फॉर्मेशन इनमें से किसकी वजह से होता है। चलिए सॉल्व करिए, आपके पास आंसर आ गया है, फोटोकेमिकल स्मॉग किसकी वजह से होता है, इन सब की वजह से। सल्फ्यूरस स्मॉग किसकी वजह से होता है, इनकी वजह से। ओके, तो क्वेश्चन ये नहीं है कि फोटोकेमिकल स्मॉग किसकी वजह से होता है या सल्फ्यूरस स्मॉग किसकी वजह से होता है, क्वेश्चन ये है कि ये दोनों स्मॉग किसकी वजह से होता है। क्वेश्चन ये है कि स्मॉग किसकी वजह से फॉर्म होता है, मतलब इनकी वजह से भी और इनकी वजह से भी। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन दोनों का कंपोजिशन याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन है ओजोन। तो हमारे इस फोटोकेमिकल स्मॉग में या सल्फ्यूरस स्मॉग में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ओजोन एंड नाइट्रोजन, इन दोनों स्मॉग में कहीं नाइट्रोजन नहीं है, एलोन या तो वो एनओ के फॉर्म में है या तो एनओ टू के फॉर्म में है, नाइट्रोजन इस फॉर्म में नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वाला ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, तो ये भी गलत ही है। हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो क्या है, ऑप्शन डी, जो यही सही होगा। बट इसको सही करने से पहले देख लेते हैं ये है क्या, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड सल्फर के ऑक्साइड्स, इन दोनों की वजह से स्मॉग होता है। ये दो टाइप का होता है, फोटोकेमिकल और सल्फ्यूरस। जब हम स्मॉग की बात करें मतलब फोटोकेमिकल और सल्फ्यूरस दोनों की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे ऑप्शन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स है, सिर्फ दो ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं की वजह से कॉज होता है, इन सब की वजह से भी होता है। आपके सामने ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में इनमें से कौन नहीं होता है, आपके सामने फोटोकेमिकल स्मॉग में की कंपोजिशन में नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पैन, हाइड्रोकार्बन पार्टिकुलेट, ये पांच चीजें हैं, इनमें से तीन कोई दे देगा और एक कोई दूसरा दे देगा, यहां से कोई दे देगा या कुछ और दे देगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सल्फ्यूरस स्मॉग किसकी वजह से नहीं होता है, तो SO2 की वजह से होता है, SO4 की वजह से होता है और पार्टिकुलेट की वजह से होता है। ओके, तो इस कंपोजिशन को याद रखिए जिससे आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्मॉग बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इससे बहुत सारी चीजें जानने को है, जैसे इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है, किसको ग्रे, किसको ब्राउन, किसको इंडस्ट्रियल, किसको एलए टाइप, किसको क्लासिकल लंदन टाइप, ये सब अलग अलग तरह से नाम के नाम से इन सबको जानते हैं। अभी हम अपने इस वीडियो में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे जब हम यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज अपना पूरा ईवीएस का सिलेबस कवर करेंगे, जिसे हम जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस प्री 2019 में जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको इसी तरह से सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल इको स्टडी से बने रहिए। अपने इस इको स्टडी चैनल के माध्यम से हम जल्द ही इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक एक टॉपिक को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पढ़ाएंगे और उससे अब तक पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको उसका एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।